तेरे नाफरमान गुनाहगार बंदे एक बड़े मजमे के साथ तेरे दरबार में हाजिर हैं और माफ़ी के खास्तगार हैं, हमें माफ़ फरमा दे, हमसे दरगुजर का मामला फरमा। या अल्लाह, अपने गज़ब के फैसले वापस ले ले और रहम करम के फैसले नाजिल फरमा दे। या अल्लाह, मुद्दत हुई है तेरे महबूब की उम्मत, या अल्लाह, चक्की में पिस रही है दाने की तरह, और या अल्लाह, आपस में भी ये लड़ लड़ के एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं और सारा बातिल भी इनको मेरे मौला दोरी धार की तलवार से ज़बह कर रहा है। ए करीम आका, आज हम तेरी मिन्नत करते हैं, ये नया साल शुरू हुआ है, इसे उम्मत मोहम्मद का साल बना दे, हमारी इज्जतें लौटा दे, हमारा अमन हमें लौटा दे, हमारी मोहब्बतें हमें लौटा दे, हमारा अमन हमें लौटा दे। अरे मौला, दिन दिहाड़े बंदे दरिंदे दरिंदा नुमा इंसान आते हैं, लोगों के बच्चे उठा के ले जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, चंद टकों पर खून बहा देते हैं। या अल्लाह, हम सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, तरसे हुए हैं, तेरी रहमत के मोहताज हैं, तेरे करम के मोहताज हैं। तेरी नजर करम हुई तो 360 खुदाओं के मानने वालों को तूने या अल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु बनाया और उनकी ज़िंदगी को अमन की निशानी बनाया, अमन का गहवारा बनाया। कि या अल्लाह, हीरा से लड़की तनहा चलती थी और बैतुल्ला का तवाफ करती थी, ना उसे ये डर होता था कि मैं लुट जाऊंगी, ना उसे ये डर होता था कि कोई मेरी इज्जत खराब करेगा, ना उसे ये डर होता था कि कोई मुझे कत्ल करेगा। या अल्लाह, और आज हमारा हाल ये है कि घरों में बेटियां लेकर बैठे हुए लोग डर रहे होते हैं कि कोई दरिंदा आके इज्जत पे हाथ ना डाल दे, जान पे हाथ ना डाल दे, माल पे हाथ ना डाल दे। या अल्लाह, तू चाहे तो एक पल में सब ठीक हो सकता है, ना ये पुलिस के बस की बात है, ना फौज के बस की बात है, ना हुकूमत के बस की बात है, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू इरादा फरमा। और ख़ास तौर पर हमारा मुल्क, पूरी उम्मत इस हाल में है, अरब व अजम इसी हाल में है।